अब आ जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर करते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट वो क्या हो रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम हो रही है। अगर आप लार्ज क्वांटिटी में करते हो तो इसका ये मतलब है कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, क्योंकि आप बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो, तो इसका यही मतलब है ना कि आप कम ऑर्डर प्लेस करोगे साल में, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। लेकिन उसी के ऑपोजिट होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, बड़े ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ज़्यादा इन्वेंट्री ले रहे हो, ज़्यादा खरीद रहे हो, तो होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगी ना। इसी तरह अगर आप छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी हाई होगी, और छोटे छोटे ऑर्डर में आपको कम से कम इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी तो होल्डिंग कॉस्ट लो होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है मैनेजर के लिए कि यार अब मैं क्या प्लेस करूं, मैं क्या बैलेंस फाइंड करूं कि जिससे मेरी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। तो उस बैलेंस को, उस ऑर्डर क्वांटिटी को जो हमें करनी चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। ये बात, ये पॉइंट आपको समझ आया? जी सर। सर ठीक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्वेयर रूट 2C0D/CH। एग्जाम में आपको एग्जाम शीट में गिवन होगा, लेकिन जुबानी भी इतना मुश्किल नहीं है। वही मतलब है, सी नॉट का वही मतलब है कॉस्ट पर ऑर्डर जो हम बात कर चुके हैं, डी का वही मतलब है एनुअल डिमांड। एग्जामिनर कई दफा मंथली डिमांड देता है, कई दफा क्वार्टरली डिमांड देता है, और लड़का जो स्टूडेंट होता है वही लिख के जो है ना सारा कुछ सॉल्व करके आ जाता है, एनुअल डिमांड है। और सी एच का वही मतलब है कि एक यूनिट को एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, के एक यूनिट को होल्ड करने का आपको क्या कॉस्ट पड़ती है। तो इससे आप डिवाइड करेंगे, आपके पास जो क्वांटिटी आएगी उसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, वो ऑर्डर क्वांटिटी है कि इतनी क्वांटिटी का अगर आप ऑर्डर प्लेस करें तो होल्डिंग प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि दोनों कॉस्ट कंबाइन सबसे मिनिमम होंगी, यानी कि इन दोनों के दरमियान बैलेंस है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सवाल करते हुए आपने तीन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ऑपरेट करते हुए, यूज करते हुए आपने तीन अजम्पशंस रखनी है। नंबर वन, आपको डिमांड भी पता है और लीड टाइम भी पता है, और उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, परचेज प्राइस कांस्टेंट रहेगी, और कोई बफर इन्वेंटरी आपने हेल्ड नहीं की हुई। ये तीन अजम्पशंस हैं, आपने एज्यूम करना है, इन अजम्पशंस को बेस बनाते हुए आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है, तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। ये बात क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है, यस सर। अब एक सवाल है, इसका करते हैं हम। सही है, एक और कॉन्सेप्ट है, इसके साथ इकट्ठे कर लेते हैं, बस ये लास्ट है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट्स, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्ज करें अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है सप्लायर, सप्लायर अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है तो क्या आपको वो डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वो चीज़ तो आपको तभी पता चलेगी ना कि अगर डिस्काउंट लेके आपकी कॉस्ट आपको कम पड़ रही है तो आप डिस्काउंट ले लेंगे, लेकिन अगर डिस्काउंट लेके आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो आप डिस्काउंट नहीं लेंगे। अब डिस्काउंट का अफेक्ट क्या होता है, डिस्काउंट से क्या क्या फर्क पड़ता है? अगर आप डिस्काउंट लेते हो तो नंबर वन, आपकी परचेज प्राइस क्या होगी, कम होगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि बल्क परचेज होगा तभी तो डिस्काउंट होगा, ज़्यादा खरीदेंगे तो, ज़्यादा खरीदेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट भी तो ज़्यादा होगी और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगी। क्यों? क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हैं, ज्यादा सामान खरीद रहे हैं तो कम ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो ये तीन फर्क पड़ते हैं डिस्काउंट से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डिस्काउंट अवेल करना है या नहीं? तो सिंपल सा तरीका है, हम पहले विदाउट डिस्काउंट अपनी टोटल एनुअल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल एनुअल कॉस्ट फॉर्मूला मैंने पीछे आपको बताया है, और फिर विद डिस्काउंट अपनी टोटल एनुअल कॉस्ट निकालेंगे। अगर तो हमें बेनिफिशियल है, कॉस्ट कम पड़ रही है, तो हम डिस्काउंट को अवेल कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अब एक टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ये इससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सारा आपको सही नजर आ रहा है? थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ इसको। नहीं सर, ठीक नजर आ रहा सही है आपको आवाज और स्क्रीन, आवाज सही आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है उस्मान? है जी सर। सर इसे जरा ठीक, स्ट्रेच करते हैं। अच्छा मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। EF2 की बुक से मैंने सवाल उठाया, क्लियर है अब आपको? क्लियर जी सर। है तो जरा रीड करें ना। वॉल्टन लिमिटेड इज अ रिटेलर ऑफ बियर बियर बैरेट
बियर की बात कर रहे हैं, आराम क्वेश्चन है लेकिन चलें फिर भी कर लेते हैं। आगे चलें। The company has an annual demand of 36,750 barrels. The barrels cost $12 each. Fresh supplies can be obtained immediately, but ordering cost and the cost of carriage inwards are $200 per order. The annual cost of holding one barrel in inventory is estimated as to be $1.20. The economic order quantity has been calculated to be 3,500 barrels. The supplier introduces a quantity discount of 2% on orders of at least 5,000 barrels and 2.5% on orders of at least 7,500 barrels. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें 2% डिस्काउंट या इवन 2.5% डिस्काउंट अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब विदाउट डिस्काउंट पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा। विदाउट डिस्काउंट मुझे सब कुछ बताया हुआ है, ऑर्डर क्वांटिटी भी बताई हुई है, डिमांड भी मुझे पता है, मुझे परचेज प्राइस भी पता है, मुझे कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर भी पता है, मुझे होल्डिंग कॉस्ट भी पता है। तो मैं टोटल एनुअल कॉस्ट यानी कि TAC लिखता हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, PD परचेज एक मल्टीप्लाई बाय डिमांड, जितना आपने खरीदना है एनुअली, डिमांड एनुअल है। फिर आता था आपका होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, CH मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। कोई बफर इन्वेंट्री नहीं है तो बफर स्टॉक वगैरह कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, प्लस कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी नॉट मल्टीप्लाई बाय डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। तो अब मैं निकालता हूँ। अब आप मुझे बता सकते हैं कि परचेज कॉस्ट क्या है पर यूनिट? परचेज कॉस्ट पर यूनिट क्या है? क्वेश्चन में देखें आपको नजर आ जाएगी। बिल्कुल। और डिमांड कितनी है आपकी एनुअल? सर एनुअल डिमांड जो है 36,750 barrels। ठीक है, इसके बाद प्लस में होल्डिंग कॉस्ट निकालता हूँ। एक यूनिट को होल्ड करने की एनुअल कॉस्ट कितनी है? 1.20। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? तो ये निकालनी पड़ेगी। ऑर्डर क्वांटिटी हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है वैस पे, ये देखें ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है 3500 बैरल। ठीक है, तो 3500 बैरल्स है डिवाइडेड बाय 2। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने निकालनी है, प्लस में कर देता हूँ। एक को ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट है 200 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड है 36750, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा ऑर्डर क्वांटिटी से यानी के 3500 से। अब मुझे आप लोग कैलकुलेट करके बता दें कि क्या आंसर है, टोटल एनुअल कॉस्ट क्या है, मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है विदाउट डिस्काउंट। कोई मेरे हिसाब से आपके कैलकुलेटर में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ही आंसर आएगा, फिगर्स पड़ी है ज्यादा आंसर आएगा काफी। सर मैंने इसका पहले 25 ऑर्डर कर लिया, सारों को ऐड करके मुझे एक साथ ही बता दें कितनी है कॉस्ट। पूरा लिख लेता हूँ फिर मैं ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद 36750 डिवाइडेड बाई 3500 टाइम्स 200 2100, ये भी आ रहा है। अब एक बात आपने याद रखनी है, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे ना, तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम होंगी हमेशा, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
यूज कर रहे ईओक्यू तो आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉस्ट हमेशा सेम होंगी, ये बात आपने याद रखनी है। सर उसकी क्या वजह क्यों होनी चाहिए मतलब ये इसी तरह सेम ही आती है ना इसका, क्योंकि ये सेम होती है कम से कम होती है, ये सेम होती है और इसका सम मिनिमम से मिनिमम होता है, ईओक्यू कहते हैं इसे। 445200 आ रहा है मेरा वैस भाई, आप जरा दोबारा चेक करें। सर ठीक है आपका आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है ये देखें, ये ईओक्यू के यूज, ईओक्यू हम किस लिए इस्तेमाल करते थे कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो, तो ईओक्यू इस्तेमाल करते हुए हमेशा हमारी कॉस्ट जो है ना वो ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये होल्डिंग कॉस्ट हमेशा हमारी सेम ही आती है, ये टू सम रूल है, ये फॉर्मूला इस तरह डिजाइन हुआ होता है कि सेम होती है। ठीक है, और इनका जी सम ठीक मिनिमम होता है, यानी कि ये वो लेवल है, ये वो ऑर्डर क्वांटिटी है जहां पर आपकी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट कंबाइंड सबसे कम पे होंगी, सबसे मिनिमम लेवल पे होंगी। तो विदाउट डिस्काउंट तो हमें ये कॉस्ट पड़ी है टोटल। अब हम पहले देखते हैं कि 2% डिस्काउंट के साथ हमें क्या फर्क पड़ा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही फिर से। अब आ रही है मुझे आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ओ वैस भाई की साइड में मसला होगा, आपको आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। वैस भाई आपको आ रही है? तो इंटरनेट के इशू, उनकी साइड से इशू है शायद इसी वजह से, वरना आपको भी ना आती मेरी साइड से बता दो। अवैस भाई आवाज आ रही है? जी सर अब बोलिएगा। इंटरनेट का इशू है आपकी साइड से, क्योंकि वो उस्मान का तो सही आ रही है। सर शायद मेरी तरफ कोई मसला होगा लेकिन अब क्लियर है सर, मैं वो क्वेश्चन तक क्लियर हूँ सर, ये इसके आंसर तक। ठीक है, आवाज अभी मेरी सही आ रही है ना? जी सर। ठीक है, अब हमने विदाउट डिस्काउंट अवैस में निकाल ली टोटल एनुअल कॉस्ट, अब हम विद डिस्काउंट निकालेंगे और देखेंगे क्या कॉस्ट कम पड़ गई है ज़्यादा। तो अब पहले 2% डिस्काउंट के साथ निकालना है। 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें, 5000 barrels। तो अब मैं इसके साथ टोटल एनुअल कॉस्ट निकालता हूँ। टोटल एनुअल कॉस्ट में सबसे पहले आता था PD, तो अब आप मुझे बताएं परचेज प्राइस कितनी होगी, आप दोनों बताएं। सर 445,200। सिर्फ परचेज प्राइस बताएं। तो परचेज प्राइस पर यूनिट, हाँ एक सेकंड। अब हमें 2% डिस्काउंट मिल रहा है और हमने 5000 बैरल्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो उस्मान कितनी होगी परचेज प्राइस पे? तो कैलकुलेट कर रहा हूँ सर, निकाल है सर 60,000। सिर्फ एक यूनिट की है वैस भाई, जी सर सिर्फ एक की पूछ रहा हूँ, एक यूनिट की परचेज प्राइस। पहले आप कितने का एक यूनिट खरीद रहे थे? सर 36,750। नहीं नहीं मैं परचेज प्राइस पर यूनिट बता रहा हूँ, 36,750। तो अवैस भाई एनुअल डिमांड है ना, ये देखिए एनुअल डिमांड द कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड। ठीक है सर, द बैरल कॉस्ट पर ईच, ये अभी आपने बोल दिया है ना कि द बैरल कॉस्ट 12 ईच, के एक बैरल की कॉस्ट 12 है, तो मैं यही पूछना हूँ उस्मान के एक बैरल की कॉस्ट कितनी है। तो ये तो विदाउट डिस्काउंट थी, अब तो अवैस भाई हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना, अब हम 2% डिस्काउंट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब कितनी होगी परचेज प्राइस पर बैरल? सर 11.76। बिल्कुल उस्मान, 2% डिस्काउंट मिल रहा है तो 11.76 होगी जी सर। मैं वो ग्रॉस अमाउंट में से निकाल लिया था। नहीं मैं पर पूछ रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी एक दफा लिखा हुआ है। तो परचेज प्राइस 11.76 है, डिमांड हमारी है 36750 प्लस। अब आप मुझे बताएं कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट तो वही होगी 1.2, ऑर्डर क्वांटिटी इधर कितनी होगी अब? 7500। ऑर्डर क्वांटिटी 2% डिस्काउंट पे कितनी होगी? 5000।
5000 बैरल्स होगी, क्योंकि उसने यही तो कहा है ना कि अगर आप 5000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो ऑर्डर क्वांटिटीज होती है ना, तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे. ये पॉइंट क्लियर हुआ है वैसे भी आपको? जी सर, क्लियर है। ये 5000 बैरल्स यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाय 2. 6000 आ जाएगा ये। बिल्कुल, नहीं, 5000 है ना यहाँ पर. अच्छा, टोटल वर्किंग आप बता रहे हैं, जी सर, 6000 डिवाइड टू 5000 3000 सर। बैरल्स, 5000 बैरल्स हैं, देखिए सर, मैं आपको 2500. इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ सर, डिवाइड करने के बाद। सही है, सही है. अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर जो था 200 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड 36750 और डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी जो कि अब कितनी है, 5000. ये फाइव डिफरेंस है, थाउजेंड क्योंकि अब इसको कैलकुलेट करते हैं साथ साथ. आप देखिएगा, आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम नहीं आएगी क्योंकि आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे. फोर 1470 सर ये। 32180 ये आ जाएगा, प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1.2, ये आ जाएगा आपके पास 3000. और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास आ जाएगी तो इसका आंसर है 436650। डिवाइडेड बाय 5000. आप भी साथ साथ उस्मान करें, ठीक है, वर्क ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें. आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो डे वन से थोड़ी गड़बड़ी जा रही है कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए भी. कितना आ गया ये टोटल करके वैस भाई? सर मैंने रेस कर दिया, 436000 कुछ आ रहा था सर। मैं ऐड कर देता हूँ, 1470 प्लस 3000 प्लस 432180. 436650। बिल्कुल, तो क्या हमें 2% डिस्काउंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है. कम आ रही है सर। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि यार क्या मैंने डिस्काउंट अवेल करके अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से बाहर निकलूं या ना निकलूं. क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में तो हमने क्या एज्यूम किया था कि परचेज प्राइस क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है. तो अब जी हमें सर, कैसे जी पता सर। चलेगा कि यार क्या मैं अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हट के कोई ऑर्डर प्लेस करूँ या नहीं करूँ? तो हमने देखना है कि यार जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है उसके साथ क्या मेरी एनुअल कॉस्ट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है. ऐसे आपने करना जी है. सर, जी सर, क्लियर है उस्मान आपको यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। जी ठीक है, अब हम 2.5% डिस्काउंट पे वर्किंग करेंगे. अब टोटल एनुअल कॉस्ट फिर मैं निकालता हूँ, मुझे बता दें अब क्या परचेज प्राइस होगी. अब आपको 2.5% डिस्काउंट मिल रहा है. एलेवन पॉइंट सेवन होगी, क्योंकि अब आपको इस पे डिस्काउंट मिल रहा है 2.75 का. तो इतनी होगी, इतनी है ना वैसे भाई? जी सर, 11.7 आ रही मेरी भी। मल्टीप्लाई बाय 36750, वही एनुअल डिमांड है प्लस वही और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन ऑर्डर है. तो अब ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? सर 7500। बिल्कुल, क्योंकि 7500 पे हमें 2.5% डिस्काउंट मिल रहा है जी सर, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है हमारे पास आ जाएगी वही 200 मल्टीप्लाई बाय 36750 डिवाइडेड बाय 7500. ये वर्किंग कर लें, टोटल क्या आएगा, 11.7 मल्टीप्लाई बाय 36750 4,29,975 प्लस 7500 डिवाइडेड बाई 2,37,50 सर 435455। 1.24500. ये 4500 आया है ना ये वाला, ये आपने इकट्ठे ही वर्किंग की है. सर आपकी आवाज़ फिर से बंद होगी सर। उस्मान आपको आवाज आ रही है? सर आ रही है। उनकी तरफ से कोई इशू है, चलें देख लेते हैं. अवैस भी आवाज आ रही है? हेलो अवैस भाई, आवाज आ रही है?
अवैस भाई आवाज आ रही है? उन मीटिंग ही शायद लीव कर दी है, दोबारा आ गए। सर लीव नहीं कर, वो खुद ही बंद हो गया था सर। दे आपकी साइड से कोई मैसेज इशू क्या है, रहा क्योंकि था? वो उनको आ रहा है नजर, उनको आवाज आ रही है। या आपको जब आवाज नहीं आती तो स्क्रीन भी स्टॉप हो जाती है, लिखा हुआ साथ साथ नजर आ रहा होता है, जस्ट वॉइस का मसला होता है। नहीं सर, सिर्फ वॉइस का मसला होता है। ये कोई यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। 435, 455 ही आ रहा है। जी सर, मेरा यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इससे हमें और फायदा है। तो देखिए हमारी एनुअल कॉस्ट कम हो रही है, तो हम 2.5% का डिस्काउंट सप्लायर से अवेल करेंगे। सर इसमें एक क्वेश्चन है सर। सही पूछे। सर हम डिस्काउंट की वजह से हम ये मतलब डिस्काउंट तो हम अवेल कर रहे हैं सर, ले रहे हैं, लेकिन सर हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी तो साथ साथ बढ़ रही है फिर, क्योंकि हमारी क्वांटिटी लेकिन बढ़ रही है। तो हमने तो टोटल एनुअल कॉस्ट की बात करनी है ना, हमारी ये कॉस्ट एनुअल कॉस्ट भी तो कम हो रही है, परचेज कॉस्ट भी तो हमारी कमी आ रही है ना। हमने तो ये देखना है कि हमारे लिए फायदेमंद क्या चीज है। सर अगर इसे हम थ्योरेटिकल देखें तो फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा डिस्काउंट जो है वो कम है, लेकिन हमारी होल्डिंग कॉस्ट डिस्काउंट से कहीं ज़्यादा हो रही होगी सर। देखे ना कि ज्यादा जो कितनी ज्यादा हो रही हमें नजर आ रही है। पहले जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट थी वो 2100 थी, ठीक है, फिर हमने टू जी सर परसेंट डिस्काउंट लिया वो 3000 होगी, फिर हमने 2.5% डिस्काउंट लिया, मतलब ज्यादा चीजें खरीदी, 7500 बैरल्स लिए तो 4500 होगी। 4500 तो होगी जी सर। होल्डिंग कॉस्ट तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो तो कम हो रही है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसको भी तो देखें। पहले 2100 थी, 2100 से 1470 होगी, 1470 से 980 होगी, कम हो नाइन रही एटी है। होगी सर। इसी तरह परचेज कॉस्ट भी आपकी कितनी गिर रही है, 441,000 से 432,180 होगी, 429,975 होगी, तो कितनी कमी आ रही है ना। जी सर। तो हमने तो ओवरऑल देखना है ना कि टोटल हमें खर्चा कितना, टोटल खर्चा हमें कितना फायदा कितना हमें हो रहा है, खर्चा कितना हमारा कम हो रहा है, तो इस जी हिसाब सर। से हमने देखना है। देखिए रीजन ये होती है ना कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो वो ऑर्डर क्वांटिटी है जहां पर आपको मतलब कि आपकी होल्डिंग प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। उसकी अजम्पशन में हमने पढ़ा था कि हम परचेज प्राइस की अज्यूम करते हैं कॉन्स्टेंट है, लेकिन जी कभी सर। कभार ये होता है कि सप्लायर आपको जरा हट के सोचने में मजबूर कर देता है, यार मैं तुम्हें परचेज प्राइस पर डिस्काउंट दे देता हूँ। तब हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है, तब क्या हमने अपनी ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हटना है या नहीं, तो इसलिए हम ये जी सर। वर्किंग्स करते हैं।